नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस प्रेस रिलीज के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सर्कुलर इशू किया है और इस सर्कुलर को इशू करके TDS रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ा दी है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या कर दी है डेट। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे CBDT ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, ये प्रेस रिलीज इशू किया है 27 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे जो TDS रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है क्वार्टरली फाइलिंग की, सेकंड क्वार्टर की, उसकी ड्यू डेट को गवर्नमेंट यहाँ बढ़ा रही है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की सेकंड क्वार्टर की जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर तक आपको फाइल करनी है TDS रिटर्न। फॉर्म 26Q की यहाँ पे डेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट। 26Q की जो डेट है सेकंड क्वार्टर की, वो बढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रही है कि जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, जो अपडेशन है फॉर्म 26Q में, उसके वजह से यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT जो है ड्यू डेट को एक्सटेंड कर रही है सेकंड क्वार्टर की। फॉर्म 26Q, 26Q के अंदर कौन सी रिटर्न जाती है अदर देन सैलरी पर्सन की जो रिटर्न है, फॉर्म 26Q में जाती है। तो इसकी डेट को बढ़ाया जा रहा है सेकंड क्वार्टर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। इसकी डेट को क्या किया जा रहा है, इसकी डेट जनरली मैंने आपको बताया जैसे कि 31 अक्टूबर होता है, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर से इसकी डेट को 30 नवंबर 22 किया जा रहा है, यानी 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। CBDT ने इसके लिए सर्कुलर भी इशू किया है, चाहे तो आप सर्कुलर देख सकते हैं, सर्कुलर नंबर 21/2022 को देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने 27/10 को इशू किया है, मतलब आज ही के दिन। और इस सर्कुलर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप इसको देख सकते हैं। प्रेस रिलीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साधारण सी भाषा में बात करें, सेकंड क्वार्टर की TDS की रिटर्न अदर देन सैलरी पर्सन की डेट को बढ़ा दिया गया है, 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, जिसकी डेट 31 अक्टूबर थी, अब इसकी डेट को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया है। मतलब 30 नवंबर तक अब आप सेकंड क्वार्टर की TDS की रिटर्न अदर देन सैलरी पर्सन की फाइल कर सकते हैं। तो ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।